पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और अब बीजेपी वरुण गांधी पर कार्रवाई का मन बना रही है। इन दिनों भाजपा के लिए सिरदर्द बन चुके सांसद वरुण गांधी पर जल्द ही कोई एक्शन हो सकता है। पीलीभीत पहुंचे केंद्रीय मंत्री और ब्रज क्षेत्र के चुनाव प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अनुशासन समिति को सब कुछ पता है और निश्चित तौर पर अनुशासन समिति वरुण गांधी पर कार्रवाई करेगी। लगातार आक्रामक मोड पर नजर आ रहे हैं, अपनी सरकार की नीतियों पर सवाल। पार्टी के ध्यान में है ये विषय, बिल्कुल ध्यान में है पार्टी के। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अनुशासन, मैंने कहा अनुशासन समिति जो बनी हुई है उनके ही स्तर पे ये कार्रवाई, जो भी कार्रवाई होती है उनके स्तर पे ही संभव होती है। मतलब कार्रवाई होगी निश्चित रूप से, पार्टी में अनुशासन तो रहना ही चाहिए ना। मंत्री महोदय, उन्होंने जितने भी मुद्दे उठाए वो एकदम वास्तविकता को, वो इसलिए समिति बनती है। कुछ लगता है कि अनुशासनहीनता है, कुछ लगता है कि नहीं मैंने क्या अनुशासनहीनता की, इसलिए अनुशासन समिति में जाते हैं। वो भी अपना पक्ष रखते हैं और पार्टी भी कहती है पार्टी की ये हद है, इस हद से आप बाहर जा रहे हो, ये सब विषय अनुशासन समिति के विषय है। गौरतलब है कि इन दिनों वरुण गांधी अपनी ही सरकार की आलोचना के लिए चर्चा के केंद्र में रहते हैं। वरुण अपने बयानों से अक्सर सरकार को असहज कर रहे हैं, लगातार पत्र लिखकर सरकार पर सवाल उठाते हैं, चाहे वो लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना हो या फिर UPTET पेपर लीक या फिर शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज। वरुण हर घटना को लेकर भाजपा सरकार पर सवालिया निशान उठाते रहे हैं। वहीं वरुण गांधी ने गुरुवार को ही CM योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आपने संविदा कर्मियों को उनकी मांगों को लेकर आश्वासन दिया था लेकिन 2.5 महीने बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पत्र में ये भी लिखा कि संविदा कर्मचारियों और उनके परिवार के हित को ध्यान में रखते हुए मामले पर जल्द शासनादेश लागू करने का कष्ट करें। फिलहाल वरुण गांधी जमकर अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी वरुण गांधी पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।